बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपने जो प्रीव्यू में स्टेटस देखा है, आज उस तरीके का डीजे रीमिक्स स्टेटस हम बनाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दें। सबसे पहले आपको काइन मास्टर ओपन करना है, क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, 9x16 साइज सेलेक्ट कर लेना है और एक ब्लैक इमेज को कर लेना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना, लिरिक्स वाले वीडियो को एक सिलेक्ट कर लेना है जिसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको इस तरीके से खींच लेना है और यहाँ पर सेट कर देना है। इसके बाद आपको सेटिंग पर क्लिक करना है, जो साइड में सेटिंग का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, एडिटिंग पर क्लिक करना है, इसको फुल स्क्रीन करना है और इसको 1.5 कर देना है। इसके बाद मीडिया पर क्लिक करना है और अपने फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेना है जितने भी स्टेटस में यूज़ करना चाहते हैं इस तरीके से। तो सिंपली मैंने कुछ फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लिया है आपको दिखाने के लिए। फ़ोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको आना है वीडियो के पहले पार्ट में, यहाँ पर पहले फ़ोटो के पास में, और जो वीडियो है लिरिक्स वाला उस पर क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेने के बाद आपको बीट्स को चेक करना है, पहला बीट्स कहाँ पर दिया गया है, तो ऑडियो को कर लेना है खींच कर टू फिंगर्स से जूम, जिससे कि बीट्स नज़र आने लगे क्लियर। तो ये मुझे कुछ बीट्स आ रहे हैं नज़र, तो मैं यहाँ से चेक कर कर इसको कट करता हूँ, प्ले कर कर कहाँ पर है पहला बीट। तो पहला बीट दिया गया है 4 सेकंड पर, तो यहाँ से ब्लैक इमेज को कट कर देता हूँ। ब्लैक इमेज को कट करने के बाद लिरिक्स वाले वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो कैंची का आइकन दिया गया है उस पर क्लिक करना है, ऊपर की तरफ कैंची का आइकन है उस पर क्लिक करना है और इसको स्प्लिट इट प्ले अहेड कर देना है, इससे कि दो पार्ट में हो जाएगा। दो पार्ट में करने के बाद इसकी ब्लेंडिंग में आना है और इसको स्क्रीन कर देना है। अब बीट्स के हिसाब से फ़ोटो को करना पड़ेगा कट, तो प्ले कर कर चेक कर लेता हूँ बीट्स कहाँ पर दिए गए हैं। तो मुझे यहाँ पर सेकेंड बीट नज़र आ गया है, तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ कट। और यहाँ पर जो मुझे थर्ड बीट नज़र आ रहा है यहाँ पर 6 सेकंड पर, तो यहाँ से भी इसको इसी तरीके से कट करना है। इसी तरीके से फोर्थ बीट चेक करना है कहाँ पर है, तो फोर्थ बीट दिया गया है 7 सेकंड पर, तो यहाँ पर कैंची के आइकन पर क्लिक करना है और इसको भी कर देना है कट। इसी तरीके से सारे फ़ोटोज़ को वन बाई वन बीट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से सारे फ़ोटोज़ को मैं कट कर लेता हूँ। फ़ोटो कट हो जाने के बाद आपको आना है पहले फ़ोटो के पास में, क्लिक ग्राफिक्स पर क्लिक करना है, ऊपर काइन मास्टर स्टोर का ऑप्शन उस पर क्लिक करना है और एक एनिमेशन को डाउनलोड कर लेना है इस तरीके से। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, ओवरऑल एनिमेशन नंबर 3 को इस तरीके से डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है। अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और ओवरऑल एनिमेशन नंबर 3 को सिलेक्ट करना है और 0.9 वाला एनिमेशन इसमें अप्लाई करना है। इसी तरीके से सारे फ़ोटोज़ में 0.9 वाला एनिमेशन अप्लाई कर देना है। तो सिंपली आपको इसी तरीके से लगाना है, फ़ोटो पर क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है, ओवरऑल एनिमेशन नंबर 3 को सिलेक्ट करना है और 0.9 वाला एनिमेशन सारे फ़ोटोज़ में अप्लाई कर देना है। तो मैं सारे फ़ोटोज़ में फटाफट से लगा लेता हूँ। इसी तरीके से आप अपने सारे फ़ोटोज़ में इस एनिमेशन को अप्लाई कर दें। डाउनलोड करना मैंने आपको बता ही दिया है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से सिलेक्ट कर लें। तो मैं सारे फ़ोटोज़ में लगा रहा हूँ। एनिमेशन लग जाने के बाद पहले फ़ोटो के पास में आना है और लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और एक ब्लैक शैडो इमेज का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको कर लेना है सिलेक्ट। तो मैं कर लेता हूँ सिंपली इस तरीके से सिलेक्ट। सिलेक्ट हो जाने के बाद इसको तरीके से खींच लेना है और नीचे की साइड बिल्कुल सही से सेट कर देना है। सेट हो जाने के बाद इसकी ड्यूरेशन को वीडियो के एंड तक करना है, लिरिक्स वाले वीडियो पर क्लिक करना है और उसको इमेज के ऊपर लगा देना है। लगाने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करना है और इसको ब्रिंग ट्रू फॉन्ट कर देना है। ब्रिंग ट्रू फॉन्ट हो जाने के बाद आपको आना है लेयर पर, लेयर पर क्लिक करना है इस तरीके से और मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद एक टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेना है, उस टेम्पलेट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो सिंपली मैं उस टेम्पलेट को इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको फुल स्क्रीन करना है और फुल स्क्रीन करने के बाद इसकी ऑडियो को म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद ब्लेंडिंग में आना है, ब्लेंडिंग में आने के बाद इसको स्क्रीन पर कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपको फिर से लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और एक लाइट इफेक्ट टेम्पलेट को करना है सिलेक्ट इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद इसको फुल स्क्रीन करना है और इसकी भी ऑडियो को म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद ब्लेंडिंग में आना है और इसको भी स्क्रीन कर देना है।
स्क्रीन करने के बाद फिर से लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और एक वाइट बॉर्डर फ्रेम को कर लेना है सिलेक्ट। तो उस फ्रेम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इस फ्रेम को भी फुल स्क्रीन करना है और ब्लेंडिंग में आना है और इसको भी स्क्रीन कर देना है और इसकी ड्यूरेशन को वीडियो के एंड तक कर देना है और वीडियो के पहले पार्ट में भी इसकी जो है ड्यूरेशन को आपको सही से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया है उसमें पहले पार्ट में रह गया, तो मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ पहले पार्ट में। इसके बाद आपको प्ले कर चेक करना है किस तरीके से हमारा स्टेटस बन गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।